हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू VPSC ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम योर साइंस टीचर वंदना मैम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टूडेंट्स, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। फर्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग। Forest play an important role in maintaining the oxygen supply and providing the fresh air you breathe. Deforestation causes increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. Carbon dioxide traps the heat from the sunlight. This leads to global warming. स्टूडेंट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के जो परिणाम हैं उसमें हमारा सबसे पहले आता है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता। इसमें देखिए हमें क्या करना है, जो फॉरेस्ट होते हैं ये एक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन सप्लाई में एंड प्रोवाइडिंग द फ्रेश एयर यू ब्रीथ। और जो है ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई में जो है मतलब इस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं कि हमें फ्रेश एयर देते हैं जिसे हम ब्रीथ करते हैं। भाई अगर प्लांट्स नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? क्या हमें ऑक्सीजन मिलेगी? नहीं, क्योंकि वही जो होते हैं उन्हीं से तो हमें जो है क्या मिलती है, एयर मिलती है, और एयर में ही हमें जो है ऑक्सीजन मिलती है। डिफॉरेस्टेशन कॉज इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फियर। डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है वृक्ष कटाव। तो वृक्ष कटाव करने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो एटमॉस्फियर में बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट फ्रॉम द सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये जो है सूर्य से जो है उसकी जो सनलाइट होती है, जो धूप होती है, मतलब आप कह सकते हैं उसकी गर्माहट होती है, उसको क्या करती है, ट्रैप कर लेती है। और जिससे क्या होता है कि जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये क्या करती है, सनलाइट को ट्रैप कर लेती है और फिर उससे जो है हीट को मतलब क्या करती है, जो है ट्रैप कर लेती है। और जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता चला जा रहा है। सेकेंड है हमारा ड्रॉट। वाटर साइकिल इज डिस्टर्ब बाय डिफॉरेस्टेशन इज फर्दर लीड्स टू लो रेनफॉल एंड लेस टू ड्रॉट। वाटर साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है डिफॉरेस्टेशन के कारण। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन के कारण डिस्टर्ब हो जाता है। जब पेड़ कट जाते हैं तो पेड़ ही जो होते हैं वो वर्षा कराने में सहायक होते हैं, तो जब पेड़ ही नहीं होंगे तो वर्षा कहाँ से होगी? और जब वर्षा कम होती है तो उसका परिणाम क्या होता है कि सूखा पड़ जाता है। थर्ड है सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट बाइंड सॉइल एंड प्लांट्स रूट। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू सॉइल इरोजन। आल्सो लूज सॉइल पार्टिकल्स गेट ट्रांसपोर्टेड विद सरफेस रन ऑफ एंड कॉन्टेमिनेट वाटर बॉडीज। जो फॉरेस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, जो सॉइल होती है उसको जो है प्लांट्स के रूट में बांध कर रखते हैं। डिफॉरेस्टेशन करने से सॉइल इरोजन बढ़ता जा रहा है और उससे क्या होता है, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं और वहाँ से वो क्या करते हैं, दूसरी जगह पर बह करके चले जाते हैं। और जो है इससे क्या होता है, जो वाटर बॉडीज होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, प्रदूषित हो जाती हैं। कंटामिनेट मीन्स क्या होता है, दूषित होना। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर कुछ रीजन दिए गए हैं जिसके कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, ओवरग्रेजिंग बाय कैटल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, मेजर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन यही है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर पे डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या है? फॉरेस्ट रिचार्ज ग्राउंड वाटर एंड रेगुलेट एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। आल्सो रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स विच हैज लेस ह्यूमस एंड इट लेस फर्टाइल। कॉन्सिक्वेंटली द फर्टाइल लैंड्स गेट्स कन्वर्टेड इंटू डिजर्ट, दस इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या है? फॉरेस्ट रिचार्ज ग्राउंड वाटर। जो फॉरेस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को जो है रिचार्ज करते हैं, मतलब फिर से जो है फॉरेस्ट जो होते हैं वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। कहने का मतलब है जो फॉरेस्ट होते हैं वो ज़मीन से पानी को खींच लेते हैं। एंड रेगुलेट एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, और फिर उसे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को बनाए रखते हैं। आल्सो रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोज द लोअर, और जब टॉप लेयर हमारी रिमूव हो जाती है तो उसके नीचे की जो लोअर होती है हार्ड एंड रॉकी जो लेयर होती है उसमें जो है लेस ह्यूमस होता है,
कम से कम ह्यूमस होता है और वो लेस फर्टाइल होती है। लेकिन जब ऊपर की टॉप सॉइल हट जाती है तो वो भी जो है धीरे धीरे ऊपर आ जाती है और फिर वो भी हट जाती है, जिससे क्या होता है जो फर्टाइल लैंड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं डिजर्ट में, इसी को बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा है फ्लड्स। डिनोडेशन इज द कैचमेंट एरियाज ऑफ रिवर लीड्स टू फ्लड। डेनुडेशन इज़ द कैचमेंट एरियाज ऑफ रिवर लीड्स टू फ्लड्स। देखिए पानी जो होता है कि जो कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो एरियाज होते हैं वहाँ पर इसकी पानी की अधिकता हो जाती है और जिसके कारण क्या हो जाता है कि जो है वहाँ पर फ्लड्स आ जाता है, मतलब बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रियंट्स। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू चेंज इन टेक्सचर ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो रिड्यूस न्यूट्रिएंट्स कंटेंट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। डिफॉरेस्टेशन जो होता है ये क्या करता है, सॉइल के टेक्सचर में चेंज कर देता है और जिससे क्या हो जाता है जिसके न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं और इसका जो मतलब ग्रेटर एक्सटेंट बन जाता है, या तो फिर रिड्यूस ही हो जाते हैं या फिर एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। अब इसके बाद बात आती है रेड डाटा बुक की। रेड डेटा बुक क्या है हमारा, देयर आर सेवरल प्लांट एंड एनिमल हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड सम आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट और एनिमल हैं जो क्या हो गए हैं, या तो विलुप्त हो चुके हैं या फिर जो है विलुप्त होने की कगार पर हैं। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, ये फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज का, नाउ नोन एज वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। अब इसे जो है WCU के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से। हैज कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ऑन थ्रेटन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल ओवर वर्ल्ड इन रेड डेटा बुक। इट हैज़ क्लासीफाइड द रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन टू फॉलोइंग कैटेगरीज। जो है पहले जो IUCN था अब उसे जो है WCU के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया है कि नोट किया है, इकट्ठा किया है सूचना कि कुछ प्रजातियाँ हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो क्या हैं खतरे में पड़ चुकी हैं, तो उन्हें इन्होंने क्या किया है पूरी दुनिया की जो है ऐसे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनकी प्रजातियां खतरे में हैं उन्हें इन्होंने रेड डेटा बुक में नोट कर लिया है। इट हैज़ क्लासीफाइड इन द रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन टू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब इस बुक में क्या किया गया है कि इनको डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्सटिंक्ट स्पीसीज एक्स स्पीसीज। अ स्पीसीज इज कंसाइडर्ड एक्सटिंक्ट व्हेन हुज नो मेंबर इन अलाइव एंड हुज चांसेस ऑफ फर्दर इवोल्यूशन आर लॉस्ट। फॉर एग्जांपल वन हॉर्न राइनो, जॉर्डन्स कोर्सर, माउंटेन क्वेल एंड पिंक हेडेड डक। एक्सटिंक्ट स्पीसीज में जो है ऐसी स्पीसीज रखी जाती हैं जिनके कोई भी मेंबर अब नहीं हैं या फिर जिनके भी आगे भी मतलब जिनके जो है आगे कोई चांसेस नहीं हैं जो खो चुके हैं मिलने के। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वन हॉर्न राइनो है, जॉर्डन्स कोर्सर है, माउंटेन क्वेल है एंड पिंक हेडेड डक है। तो ये कुछ एनिमल्स हैं ऐसे जो है या बर्ड हैं जिनके कोई भी जो है मेंबर्स नहीं है अलाइव अब तक जिंदा हैं या फिर उनके कोई भी चांसेस नहीं हैं कि वो खो चुके हैं, उनके मिलने के कोई भी चांसेस नहीं है, तो इन्हें एक्सटिंक्ट स्पीसीज में रखा गया है एक्स स्पीसीज में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड EW स्पीसीज। आई स्पीसीज इज कंसाइडर्ड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड व्हेन इट इज नोन टू सर्वाइव ओनली इन कल्टिवेशन कैप्टिविटी आर एन आर्टिफिशियल इको सिस्टम। एक्सटिंक्ट जो है स्पीसीज वाइल्ड में जो होती हैं स्पीसीज इज कंसाइडर्ड उन्हें जो है मतलब ऐसी स्पीसीज को माना जाता है जो जंगलों में होती हैं और इनके जो है सर्वाइव करने के लिए सिर्फ कल्टीवेशन कैप्टिविटी या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की जो है अरेंजमेंट किया गया है उसी में ये क्या कर सकती हैं सर्वाइव कर सकती हैं, तो इन्हें बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। इन्हें जो है EW कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट है क्रिटिकली इंडेंजर्ड CE स्पीसीज। आ स्पीसीज इज कंसाइडर्ड इंडेंजर्ड व्हेन देयर इज हाई डेंजर ऑफ एक्सटिंक्ट इफ द कैजुअल फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट। फॉर एग्जाम्पल पिंक पिजन स्पीसीज जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड CE स्पीसीज में वो स्पीसीज आती हैं जो क्या हैं इंडेंजर्ड मतलब खोने वाली हैं, वन देयर इज अ हाई डेंजर ऑफ उनके खोने का बहुत बड़ा खतरा है। इफ़ द कैजुअल फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट अगर जो है कुछ निश्चित कारण उनको जो है
कंटिन्यू टू ऑपरेट, अगर कंटिन्यू ये करते जाएंगे ऑपरेट तब तो चाहे बच जाए, अदरवाइज वो क्या है एकदम से खो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल पिंक पिजन। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टॉपिक विल बी टॉट इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग।